दोस्तों मैंने बहुत से रिसर्च की, बहुत से लोगों के इंटरव्यू देखे जिन्होंने बड़ी बड़ी एग्जाम पास की है, उन सभी में और जो पास नहीं हो पाते उनमें केवल एक ही फर्क होता है। अगर आज आप इस बात को समझ गए तो यकीन मानो आने वाले टाइम इंटर लेवल की बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से पास कर जाओगे। जरा समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मान लो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए किताब ढूंढो जिसमें आपको उन 10 किताबों का पूरा ज्ञान मिल जाए। दोस्तों अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा पढ़ने से आप पास हो जाओगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप ज्यादा पढ़ने से नहीं बल्कि सही स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ने से पास हो जाओगे। दोस्तों अपने आप को कंफ्यूज मत होने दीजिए। अपने फील्ड के उन लोगों के इंटरव्यू हर रोज देखिए जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। जिन्होंने एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल किए हैं उनके इंटरव्यू देखने से आपको एक सही स्ट्रेटजी का पता चलेगा। रोज कम से कम एक वीडियो जरूर देखें। आज के जमाने में पास वही होगा जिसके पास सही स्ट्रेटजी होगी। केवल मेहनत करते रहने का कोई अर्थ नहीं है। आपकी फील्ड के 80% स्टूडेंट केवल मेहनत ही कर रहे हैं। दोस्त बिना अच्छी स्ट्रेटजी बनाए मेहनत करने का कोई अर्थ नहीं है। 10 किताबों को एक बार पढ़ लेने से अच्छा 2 किताबों को 10 बार पढ़ लीजिए। बाकी दोस्तों मैं विनोद विश्वकर्मा आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं। दोस्तों अगर आप इसी तरह के स्टूडेंट मोटिवेशन और स्टडी टिप्स वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्त VKB मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्त इस तरह के जब भी कोई वीडियोस हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए नमस्कार।